एंजाइम्स। नाउ व्हाट आर एंजाइम्स? एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट व्हिच आर प्रोटीन बेस्ड व्हिच स्पीड अप द बायोकेमिकल प्रोसेसेस आर कॉल्ड एज एंजाइम्स। एंजाइम्स हमारे पास क्या होते हैं? बायो कैटलिस्ट। अच्छा, बायो मीन्स लाइफ, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट आपको पता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल करता है, ठीक है ना, या तो बढ़ाता है या तो घटाता है। यहाँ पे हमारे पास ऑब्वियसली ये कम नहीं करेगा, बढ़ाएगा। जो बायो कैटलिस्ट होते हैं हमारे पास, ये पॉजिटिव कैटलिस्ट होते हैं। ये क्या करते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाते हैं। कौन से रिएक्शन? बायोकेमिकल रिएक्शन। जो बॉडी के अंदर, लाइफ के अंदर रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनका ये रेट बढ़ा देते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? जब इनको कहलाते हैं बायो कैटलिस्ट। सही है ना? और ये क्या होते हैं? प्रोटीन बेस्ड होते हैं। इनका स्ट्रक्चर में क्या होता है? प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं इनसे हमारे पास। द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट डू नॉट ओनली एक्सेलरेट द रेट ऑफ रिएक्शन बट ऑल्सो डिराइव अ रिएक्शन टू कम्प्लीशन विद विच नॉर्मली कुडंट अकर एट रूम टेम्परेचर। ऑल बायोलॉजिकल रिएक्शंस आर एंजाइम कैटलाइज्ड। ऑब्वियसली हमारे पास ये जो होते हैं ये सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन ही बढ़ाते हैं, ये कंप्लीट भी करते हैं बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर पे विदाउट इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। बॉडी का एक नॉर्मल टेम्परेचर रखते हुए ये हमारे पास रिएक्शन कर रहे होते हैं। और हमारे पास जितने भी सारे के सारे जितने भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं, बस सारे जो होते हैं उसमें एंजाइम्स का होना लाजमी है, ठीक है। दे कैटलाइज ऑल टाइप्स ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन सच एज डाइजेशन, रेस्पायरेशन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्ट्रैक्शन टेक्स प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज एंजाइम्स। हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं कुछ, कौन कौन से बायोकेमिकल रिएक्शंस हो सकते हैं? रेस्पायरेशन हो सकती है, डाइजेशन हो सकता है, एंड डिफरेंट काइंड ऑफ मेटाबॉलिज्म हो सकते हैं। ये हमारे पास क्या होते हैं? रेगुलेटेड बाय एंजाइम्स। नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स। हमारे पास जो एंजाइम होता है उसका जो नाम होता है वो किस तरह का होता है, मतलब उसके नाम किस तरह से रखते हैं? खैर आपको रखना नहीं है, परेशान नहीं होइएगा, ये वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला नॉमेनक्लेचर नहीं है जो हम पहले करते हैं। बस एक छोटी सी ये एक हेडिंग है जिसके अंदर हम बताते होते हैं कि एंजाइम्स का नाम किस तरह से रखा जाता है। द वर्ड एंजाइम कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स। कोई भी एंजाइम के हमारे पास दो वर्ड होते हैं। हमारे पास जो उसका सफिक्स होता है वो ASE होता है, ठीक है। कोई भी नाम होता है सफिक्स और प्रीफिक्स से होता है, मतलब जो नाम जिस चीज़ से शुरू होता है वो प्रीफिक्स कहलाता है, जिस चीज़ पे एंड होता है वो सफिक्स कहलाता है। तो ये जो है ये ASE पे हमारे पास खत्म होते हैं नाम एंजाइम्स के ना, तो एंड में एस आएगा, एस, ASE, एस का साउंड करता है। और जो प्रीफिक्स होता है या तो वो नेम ऑफ सबस्ट्रेट, अच्छा यहाँ पे एंजाइम की लैंग्वेज में सबस्ट्रेट का मतलब होता है क्या? रिएक्टेंट। हमारे पास जब हम बात बोल रहे हो यहाँ पे हम सबस्ट्रेट बोल रहे होते हैं एंजाइम्स की लैंग्वेज में, तो यहाँ पे हम सबस्ट्रेट का मतलब होता है रिएक्शन, रिएक्टेंट। जो हमारे पास रिएक्टेंट है उसके नाम के हिसाब से टाइप ऑफ एक्शन, ठीक है, टाइप ऑफ एक्शन सही है, या हमारे पास नेम ऑफ सब्सट्रेट, दोनों एग्जाम्पल हैं। हमारे पास एक चीज है सुक्रेस, इस सुक्रेस इज एन एंजाइम, जो सुक्रेस है, ठीक है, सुक्रेस, तो ये सक्रोज को कैटलाइज करता है इसलिए इसका नाम क्या है? सुक्रेस, और एंड में एस आ रहा है, ठीक है। या तो ऐसे नाम रख सकते हैं या तो देखें दूसरा नाम कैसा है, डीहाइड्रोजिनेस। ये क्या करता है? डीहाइड्रोजिनेटिंग एंजाइम होता है, ये डीहाइड्रोजिनेशन कर रहा होता है, मतलब एच हाइड्रोजन को हटा रहा होता है, तो इसका नाम क्या है? डीहाइड्रोजिनेस। तो या तो जो एंजाइम का नाम होगा वो उसके सब्सट्रेट के हिसाब से, उसके रिएक्टेंट के हिसाब से होगा, या वो उसके जो एक्शन प्रोड्यूस कर रहा है उस हिसाब से होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। हमारे पास एंजाइम कौन सी क्लासेस में कितने टाइप्स के हैं? बेसिकली ये हैं 6 टाइप्स के एंजाइम्स, उसके अंदर हमारे पास दूसरे एंजाइम्स आते हैं। इनकी क्लासिफिकेशन किस चीज़ पे बेस्ड है? बेस्ड ऑन द एक्शन दे प्रोड्यूस। कौन सा एक्शन वो कैट सॉरी प्रोड्यूस नहीं कैटलाइज कर रहे होते हैं, कौन सा एक्शन वो कैटलाइज कर रहे होते हैं उस हिसाब से इनकी क्लासिफिकेशन है। हम कह रहे होते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेज। ऑक्सीडो रिडक्टेज वो क्लास होती है एंजाइम की, क्या कौन से टाइप ऑफ रिएक्शन की कैटलाइज करती है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन विच ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आर गेन्ड और लॉस। हमारे पास ऑक्सीडेशन या रिडक्शन को जो रेगुलेट कर रहे होते हैं वो कौन से होते हैं? ऑक्सीडो रिडक्टेज। इनकी एग्जाम्पल्स क्या है? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज और लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सच एंजाइम्स जो हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑक्सीडो रिडक्टेज का काम कर रहे होते हैं।
वी हैव अनदर क्लास दैट इज ट्रांसफरेज, ट्रांसफर ऑफ, अब ये काम क्या कर क्या काम क्या कैटलाइज करवा रहे होते हैं, ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप सच एज एन अमीनो ग्रुप, एन एसिटाइल ग्रुप और फॉस्फेट ग्रुप, ये हमारे पास ट्रांसफरेज से कराते हैं फंक्शनल ग्रुप को एक मोइटी से दूसरी मोइटी तक, एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट पे ये ट्रांसफर करवा रहे होते हैं क्या, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, जो फंक्शनल ग्रुप का ट्रांसफर करवा रहे होते हैं, अमाइनो ग्रुप ट्रांसफर करा रहे होते हैं, या तो एसिटाइल ग्रुप या तो फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है ना, ये हमारे पास ट्रांसफर करवा रहे होते हैं एक से दूसरे पर, तो ये कहलाते हैं ट्रांसफरेज। एग्जाम्पल है एसिटेट काइनेज, एलिनीन, डी अमाइनेज, ठीक है ना, दीज आर टू एग्जाम्पल ऑफ सच एंजाइम्स। ओके, देन वी हैव हाइड्रोलेस, हाइड्रोलेस, हाइड्रो हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हो, उनमें एस आ रहा है, ठीक है ना, तो हाइड्रोलेस हमारे पास क्या कराते हैं, हाइड्रोलाइसिस, एडिशन ऑफ वाटर। हमारे पास जितने भी सारे इंजाइम्स होते हैं जो डाइजेशन में काम करते हैं, दैट ऑल हमारे पास हाइड्रोलाइटिक इंजाइम होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है लाइपेस की, हमारे पास एग्जाम्पल है सुक्रेस की, ठीक है ना, तो ये सारे वो एंजाइम्स हैं जो हमारे पास हाइड्रोलाइसिस को कैटलाइज कर रहे होते हैं, सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हमारे पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। लाइएस, रिमूवल और ग्रुप ऑफ एटम विदाउट हाइड्रोलाइसिस, हमारे पास रिमूवल कर रहे होते हैं, तोड़ रहे होते हैं कोई भी एटम, कोई भी कंपाउंड में से ग्रुप ऑफ एटम को विदाउट हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, एग्जाम्पल कौन सी है, ऑक्सलेट डीकार्बोक्सिलेज और आइसोसिट्रेट लाइएस, दीज आर द टू एग्जाम्पल ऑफ सच एंजाइम्स। ठीक है, व्हेन वी हैव आइसोमरेस, आइसोमर एस, ये जो नाम रखा गया है ये आइसोमर, ये फंक्शन बता रहा है कि कौन सा फंक्शन ये प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये कौन सा प्रोड्यूस, सॉरी, ये कौन सा टाइप ऑफ, कौन सा रिएक्शन को कैटलाइज कर रहे हैं, प्रोड्यूस नहीं कैटलाइज कर रहे हैं, दैट इज आइसोमर, आइसोमर की फॉर्मेशन, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम विद इन अ मॉलिक्यूल, ये क्या करते हैं एक आइसोमर से दूसरे आइसोमर में कन्वर्जन कर रहे हो, कि कन्वर्जन को कैटलाइज करवा रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, आइसोमरेस। आइसोमरेस की एग्जाम्पल हमारे को पास कौन से हैं, ग्लूकोज फॉस्फेट, आइसोमरेस, एलिनीन, रेसिमेस, दीज आर द टू एग्जाम्पल जो आइसोमर बना रहे होते हैं, एक आइसोमर रिएक्शन को एक आइसोमर से दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, रीअरेंजमेंट करके एटम्स की, ऐसे रिएक्शन को ये कैटलाइज करते हैं। वी हैव लाइगेस, लाइगेस हमारे पास जो होता है ज्वाइनिंग ऑफ टू मॉलिक्यूल यूजिंग एनर्जी यूजली डिराइव फ्रॉम ब्रेकिंग डाउन ऑफ एटीपी, हमारे पास ये क्या करते हैं टू मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन करवा रहे होते हैं। ठीक है, जो टू मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन करवा रहे होते हैं तो ये क्या है, लाइगेस होते हैं, जो दो मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन करवाएं, ऑब्वियसली एनर्जी इस्तेमाल करेंगे, बॉडी में हमारे पास जो होती है एनर्जी, जो लिविंग के अंदर हम जो एनर्जी की जो करेंसी होती है जिससे हम एनर्जी निकालते हैं, दैट इज एटीपी, एडीनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इस एटीपी से हम एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे पास बॉडी के अंदर वो केमिकल जिससे बॉडी एनर्जी लेती है फंक्शन करने के लिए, वो एटीपी की फॉर्म में होता है। ठीक है ना, अच्छा, तो हमारे पास ये क्या करता है, ज्वाइनिंग ऑफ टू मॉलिक्यूल, एग्जांपल है एसिटाइल कोएंजाइम ए सिंथेस और डीएनए लाइगेज, दीज आर द टू एग्जांपल जो ज्वाइनिंग, ऐसे रिएक्शन जो ज्वाइन करवाते हैं, एडिशन करवा रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्लासिफिकेशन है एंजाइम्स। ठीक है, वी हैव प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम, एंजाइम्स इन एक्वस सॉल्यूशन कैप्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम लूजेस देयर एक्टिविटी, प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम हमारे पास क्या खसूसियत है भाई एंजाइम्स की, कि एंजाइम्स इन एक्वस सॉल्यूशन कैप फॉर अ लॉन्ग टाइम लूजेस देयर एक्टिविटी, इनको अगर हम एक्वस सॉल्यूशन रखेंगे तो अपनी एक्टिविटी लूज कर देंगे, दे बिकम इनएक्टिव बाय ट्रीटमेंट दैट कॉगलेट्स प्रोटीन मटेरियल, हमारे पास क्योंकि ये प्रोटीन नेचर के होते हैं, कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी ट्रीटमेंट, कोई भी ऐसी कंडीशन जो ये कॉगलेट हो जाए प्रोटीन्स, मतलब ये इनकी डिनेचर हो जाए, इनका स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, तो जब भी इनका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा तो ये अपनी एक्टिविटी लूज कर देते हैं, इनएक्टिव होते हैं। एंजाइम रिएक्शन अकर्स ओनली एज बेस्ट एट अराउंड 37 डिग्री सेंटीग्रेड एंड आर पीएच सेंसिटिव, अब जो एंजाइम होते हैं वो जो एक्शन देते हैं वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे परफेक्ट हमारे पास काम दे रहे होते हैं हमें, और ये पीएच सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, एक्सेसिव हीट, अल्कोहल, सॉल्ट्स ऑफ हैवी मेटल्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ मिनरल एसिड विल स्टॉप द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम एज दे डिनेचर द प्रोटीन, हमारे पास मैंने वही बात की है, कोई भी ऐसी चीज, क्योंकि प्रोटीन स्ट्रक्चर के होते हैं, तो कोई भी ऐसी चीज जो इनके स्ट्रक्चर, जो प्रोटीन के स्ट्रक्चर को डिनेचर करती है,
या उनके स्ट्रक्चर को ख़राब करती है, वो हमारे पास एंजाइम को इनएक्टिव कर देगी। एग्जाम्पल है कि बहुत ज़्यादा हीट, एल्कोहल, सॉल्ट्स ऑफ हैवी मेटल्स, कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूशन ऑफ मिनरल एसिड, हमारे पास जितने भी एसिड उनकी हायर कंसनट्रेशन सब क्या कर देती है, नीचे डिनेचर कर देती हैं प्रोटीन्स को। एंजाइम्स आर सिलेक्टिव और स्पेसिफिक इन नेचर एज एंजाइम डील विद ओनली वन टाइप ऑफ सबस्ट्रेट ओनली। एंजाइम जो होता है वो सब सिलेक्टिव होता है। मतलब क्या है, हमारे पास एंजाइम्स जो होते हैं वो किसी एक तरह के सबस्ट्रेट के लिए एक एंजाइम बना हुआ है। हमारे पास एक एंजाइम 10 तरह के सबस्ट्रेट को कैटलाइज नहीं कर सकता। अनलाइक कैटलिस्ट, कैटलिस्ट जो होते हैं हमारे पास, एग्जाम्पल अगर हम देख लेते हैं निकल की, ये जो होते हैं जो हमारे पास केमिस्ट्री के अंदर कैटलिस्ट होते हैं वो क्या होते हैं, वो हमारे पास हर तरह की, फॉर एग्जाम्पल निकल हाइड्रोजनेशन करवाता है। हमारे पास जो निकल है वो हर तरह के कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन, हर तरह के रिएक्टेड में हाइड्रोजनेशन करवा सकता है। लेकिन जो बायो कैटलिस्ट होते हैं, एंजाइम होते हैं, ये सिलेक्टिव होते हैं, ये सिर्फ एक तरह की कैटलिस्ट के लिए बने होते हैं। जो सुक्रेस है वो सिर्फ सक्रोस पैक करेगा, जो माल्टेस है वो सिर्फ माल्टोस पैक करेगा, पेप्सिन है वो सिर्फ प्रोटीन पैक करता है, वो ना कार्बोहाइड्रेट पे करता है, वो ना फैट पे करता है। सो दैट इज हाउ दे वर्क, सिलेक्टिव इन नेचर। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, हमारे पास ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे पास एंजाइम की एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। सबसे पहला है एंजाइमेटिक कंसंट्रेशन। द रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। हमारे पास जितना ज़्यादा सबस्ट्रेट होगा उतना ही हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, ठीक है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास बॉडी के अंदर 10 एंजाइम्स मौजूद हैं लेकिन मेरे पास सिर्फ 4 सबस्ट्रेट हैं, तो वो 4 सबस्ट्रेट और वो 10 सबस्ट्रेट, ठीक है ना, 10 सबस्ट्रेट भी उसी टाइम में कैटलाइज होंगे, वो 4 सबस्ट्रेट भी उसी टाइम में कैटलाइज होंगे, ठीक है। तो जब तक हम कंसेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं सबस्ट्रेट की, रिएक्टेंट की, जब तक तब तक हमारे पास एंजाइम उसके मुताबिक मौजूद है। जब तक हमारे पास जो रेट है वो बढ़ता जाएगा, फिर उसके बाद जो है अगर एंजाइम की कमी हो जाएगी तो हमारे पास जो है वो रेट नहीं बढ़ सके, ठीक है। टेम्परेचर, द एंजाइमेटिक रिएक्शन अकर बेस्ट एट अराउंड 37 डिग्री सेंटीग्रेड, विच इज अ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे हमारे पास एंजाइम सबसे अच्छी एक्टिविटी देता है। द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज इंक्रीज बाय रेजिंग इन टेम्परेचर बट इज ट्रू ओनली ओवर अ लिमिटेड रेंज ऑफ टेम्परेचर। द एंजाइम इज यूजली डिस्ट्रॉयड एट हाई टेम्परेचर बाय रेडिएशन इनएक्टिव्स और डिस्ट्रॉयज एंजाइम्स। हमारे पास 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे बहुत अच्छी एक्टिविटी रहता है, थोड़ा सा और बढ़ जाएगा तो थोड़ी अच्छी एक्टिविटी जाएगी, बट बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो, फॉर एग्जाम्पल अगर 50 डिग्री सेंटीग्रेड भी पहुंच जाता है, तो हमारे पास जो एंजाइम्स होते हैं दे आर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, पास एंजाइम डिस्ट्रॉय जाते हैं 50 डिग्री सेंटीग्रेड। और हमारे पास अगर रेडिएशन हो तो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय या इनएक्टिव कर देती है हमारे पास हमारे एंजाइम को। इफेक्ट ऑफ पीएच, हमारे पास देयर इज आल्सो एन ऑप्टिमम पीएच एट व्हिच एन एंजाइम विल कैटलाइज द रिएक्शन एट द मैक्सिमम रेट। फॉर एग्जांपल द ऑप्टिमम पीएच ऑफ पेप्सिन इज 1.2 टू 1.6, ट्रिप्सिन इज पीएच इज 8.2। हमारे पास कुछ इंजाइम, सारे एंजाइम्स होते हैं पीएच सेंसिटिव होते हैं, अगर उनको वो पीएच ना मिले तो वो अपना एक्शन प्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है ना, तो पीएच सेंसिटिव होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे एग्जांपल एक एंजाइम है पेप्सिन। पेप्सिन जो होता है हमारे पास पेट में पाया जाता है, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, इस ये जो होता है हमारे पेट में एचसीएल निकलता है, एचसीएल जब ही निकलता है वो पेप्सिन को प्रोवाइड करता है पीएच ऑफ 1.2 टू 1.6। इस हाई पी इस लो पीएच में, एसिडिक पीएच में हमारे पास पेप्सिन जो होता है वो एक्टिवेट होता है, वही हमेशा हमारे प्रोटीन को कैटलाइज कर सकता है, तो ये बहुत पीएच सेंसिटिव होते हैं। ट्रिप्सिन है हमारे पास जो इंटेस्टाइन में होता है, दैट इज ऑफ पीएच 8.2, ये 8.2 पीएच पे काम करता है, इससे कम पीएच पे काम नहीं करेगा, तो ये क्या होते हैं पीएच सेंसिटिव। द एंजाइम एक्शन इज आल्सो इंक्रीज और डिक्रीज इन द प्रेजेंस ऑफ सम अदर सब्सटेंस सच एज को एंजाइम्स एक्टिवेटर्स और इनहिबिटर्स। हमारे पास नेचर के अंदर, बॉडी के अंदर, लाइफ के अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो एक्टिवेटर्स होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, और इनहिबिटर्स होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को लो कर देते हैं। और को एंजाइम्स होते हैं, को एंजाइम्स क्या करते हैं, वो एफिशिएंसी बढ़ा देते हैं एंजाइम एक्टिविटी की, ठीक है। दैट इज दीज आर सम फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंसेस, जो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं।